हे हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। तो करते हैं वापस से स्टार्ट। जो भी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हमारी रह चुकी हैं वो हम एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन हमारा बेसिकली खाली लग रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम कोई भी एक MDF या CNC जाली का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कुछ जाली मैंने डाउनलोड किए हैं, तो वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दिखा देता हूँ कि उनका प्रीव्यू किस टाइप का आ रहा है, देन हम उसको अपनी फाइल में मर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास एक जाली है, एंड ये बेसिकली तीन जाली हमारे पास है। इनमें से जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसमें से ये मिड वाली, सेंटर वाली मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारे पास इसकी दो फाइल्स हैं बेसिकली, एंड ये 2014 में है, एक 2011 में। तो यहाँ से इनको करते हैं मर्ज। हमें फाइल में इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मर्ज आप करेंगे। यहाँ से 2014 वाली फाइल में ले रहा हूँ, ऑल एंड मर्ज होने देते हैं। तो तीनों फाइल आ गई हमारे पास। अब बेसिकली एक ग्रुप है, तो ग्रुप को सबसे पहले अनग्रुप करते हैं। एंड ये हमें नहीं चाहिए, एंड ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली चाहिए। तो इसको हमने लिया, और इस पर बेसिक सा एक कोई भी मैंने टेक्सचर यहाँ पर डाल दिया, या हम इसको हल्का सा गोल्डन। करीब करीब मैं इसको गोल्डन में ले जाता हूँ, एंड मैंने ये ओके। तो ये मैंने डाल दिया। अभी कुछ और इसमें कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक मैंने कलर यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मुझे प्लेस कहाँ करना है, यहाँ पर पूरे में मुझे इसको कंप्लीट लगाना है, ओके। एंड मैंने जाली भी अपनी ले ली, एंड वॉल्स भी मैंने ले ली। अब आ जाते हैं हम फ्रंट व्यू में। मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इसको प्लेस किया। एंड नॉर्मली अगर आपके साइजेस बड़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत एडिट करके चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास प्रॉपर जगह है तो मैं यहाँ पे FFD लगा देता हूँ, इससे कि मेरी सेप भी ना बिगड़े और मेरी जाली भी प्रॉपर आ जाए, ओके। अभी जाली मेरी गई कहाँ पर, ये रही, और मेरे को इसको रखना है स्नैप के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी लग गई, और मैं इसको थोड़ा सा 1 इंच करीब करीब मैं इसको आगे रख रहा हूँ, या मैं इसको मैंने यहाँ पकड़ा स्नैप, और इससे 2 इंच पीछे मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस जगह प्लेस हो गई मेरी जाली। देखें ज़रा कैमरे में तो सही है, अनएडॉल। तो यहाँ पर हमारी ये जाली आ गई, फाइल को किया सेव। तो अब इसीलिए जो ममटी का हमारा डिज़ाइन है उसमें लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं। एक सेम चीज़ अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ, तो या तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर कोई भी वुडन का, जैसे कि मैं बता दूं एक बार आपको, जैसे अगर मेरे को कोई भी वुडन का टेक्सचर चाहिए, मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिखा वुडन प्लैंक्स, टेक्सचर मैं लिख देता हूँ, टेक्सचर मेरे को चाहिए कोई भी वुडन का, प्लैंक्स का मेरे को टेक्सचर चाहिए। आप इमेज में जाएँ, देन यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि हमको लास्ट टेक्सचर चाहिए। एंड सपोज मेरे को ये टेक्सचर पसंद आया, ये पसंद आया, तो यहाँ से नॉर्मली जाके मैंने यहाँ से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर लिया जो भी आपको पसंद आ रहा है, ओके। ये हमारे पास इमेज ये रही, मैं इसको यहाँ से एक बार के लिए ओपन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। काफ़ी छोटी इमेज है लेकिन समझाने के लिए ठीक है। यहाँ से मैंने कट की, और इसको हम डाल लेते हैं अपने यहाँ बाहर, मैंने डाल लिया, ओके। यहाँ से लोकेशन मैंने कॉपी की, एंड आ गए हम अपने मटेरियल्स में, मैक्स में। अब हम बेसिकली स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से डिफ्यूज़ में जाके मैं एक बिट मैप ले रहा हूँ, एंड नॉर्मली वही इमेज में यहाँ पे ऑल फॉर्मेट्स में वो इमेज नहीं दिखा रहा, ये रही, ओके। तो अब ये कुछ टाइप अलग है, तो आप जाएँ और उस इमेज को पेंट में ओपन करके आपको नॉर्मली इसको कर देना वापस से सेव। ये पेंट में ओपन हुई, फाइल को सेव किया एंड क्लोज। अब आ जाएँ अपने मैक्स में, एंड अब डिफ्यूज़ ले लें। ऑल फाइल्स जी अभी भी नहीं ले रहा, तो हम दूसरा कोई डाउनलोड कर लेते हैं।
सपोज ये मैंने डाउनलोड किया 500 बाई, एंड ये जेपीजी है। ओके कोई दिखा, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको। मैक्स बिटमैप डेस्कटॉप, एंड ये रही हमारे पास। ठीक है, तो ये स्लोट हमारे पास आ गया एंड हमने इसमें एक बिट मैप यूज़ किया। मैंने इसको पकड़ा एंड असाइन, सो हमने किया। एंड इस पे अब डाल देते हैं UVW map एंड बॉक्स। ये इसकी स्टाइल्स वो हम देख लेते हैं कि हमको लेंथ विड्थ क्या रखनी है। मैं रख रहा हूँ इसको 111, एंटर। ओके अब देखें, बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये टेक्सचर जो है सीमलेस नहीं है। ओके तो 555 एक बार के लिए इतना हमने किया। तो इस तरह से बेसिकली आप जो ये वुडन के प्लैंक्स होते हैं ये बना सकते हैं। ओके बम्प यूज कर से आप टेक्सचर के अकॉर्डिंग बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए या डेप्थ अच्छे से चाहिए तो आप नॉर्मली इसको जाकर आप मॉडल कर सकते हैं। ओके अब मॉडल कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अभी इसकी जो थिकनेस है वो हमने दी है यहाँ पे, अगर हम देखें एक्सट्रूड में आके 40 फिट, मतलब कि हमने फ्रंट से बनाया। कोई दिक्कत नहीं, मैं अब इसके फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। हम टॉप से बना रहे हैं एंड 6-6 इंची के या 9-9 इंची का हम इसमें कुछ वुडन के ग्रुप्स बनाएंगे। डिलीट, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, कॉर्नर मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ रखा एंड वाई में माइनस, मैंने 9 इंच का एक माइनस, ये मैं इतना बड़ा मैंने एक वुडन का प्लैंक्स बनाया। लेकिन ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको 6 इंच में बना लेते हैं। ठीक है, सेम एस पी लाइन आपने पकड़ी, इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। मैंने कहा 0.5 इंच का मैं गैप दूंगा। सेम इसको यहाँ पकड़ो, वाई में -0.5 इंची एंड मल्टीपल कॉपीज लेके आपको ये 0.5 इंचीज -0.5 इंची इसको यहाँ रखा हमने, -0.5 इंचीज पूरे को सिलेक्ट हमने किया, -0.5 इंचीज। ओके एंड जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम कर देंगे एक बार के लिए रिमूव। एंड ये लास्ट है तो बेसिकली कैमरे में ये दिखेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्सट्रूड वैल्यू हम दे देते हैं इसमें 0.5 या 1 इंची, हमने दे दी 1 इंची। अभी बने कहाँ पर, अपने ग्रिड पर, तो हमने इसको मूव करके यहाँ पर रख दिया। ओके और इन दोनों पर हमने सेम एक टेक्सचर दे दिया, जो भी आपको टेक्सचर देना। सपोज मैंने ये दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया वुड प्लैंक्स एंड कलर, जो भी आपको देना है यहाँ से आप दे दें। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली बना भी सकते हैं। ओके जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई एंड यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो उनको हमें सही करना पड़ेगा। F4 एक बार के लिए देख लेते हैं तो सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, अनाइड ऑल प्रस्पेक्टिव, अब देखें कैमरे व्यू में तो काफ़ी अच्छे से वो ग्रुप्स हमको, प्लैंक्स बेसिकली हमको दिख रहे हैं। अब कुछ सीलिंग लाइट्स हम लगा लेते हैं प्रस्पेक्टिव, बेसिकली इसमें हमें लाइट्स लगानी। एंड इसमें बेसिकली एक पैटर्न हम बना लेते हैं कोई भी अच्छा सा सीलिंग का। ये हमारे पास है, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ सबसे पहले। एंड सर्कल का जो साइज़ है मैं रख रहा हूँ 3 इंच का, सॉरी 3 इंच का हमें रखना है। तो इतनी बड़ी मेरी लाइट बन जाएगी 3 इंच की। ठीक है, इसको मैंने किया कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन, इसको पकड़ के मैंने ऑफसेट दिया 0.5 इंची अंदर की साइड एंड इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने 0.5 इंचीज। ठीक है, अभी आपको नहीं दिखेगा, कंट्रोल वी, मैंने कॉपी ली, जो बाहर वाली एसपी लाइन है उसको मैंने किया डिलीट एंड अंदर वाले को मैंने एक्सट्रूड कर दिया 0.25 इंचेस, 0.25 इंचेस। अब दोनों को सेलेक्ट करो और देखो सही है, लेकिन ये जो पार्ट है ये मेरा यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो हमारी लाइट बन गई।
अगर मैं इसकी बात करूं अमाउंट की, तो हम जा सकते हैं एडिट एसपी लाइन में, और यहाँ पे रेंटिंग में इंटरपोलेशन में आपको एडिप्टिव कर देना, तो जिससे कि ये जिगजैग आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। सेम इसके हम वर्टेक्स में चले गए, इंटरपोलेशन में एडिप्टिव उसको हमने कर दिया। ओके तो अब काफ़ी स्मूथ लग रहा है। एंड इनका मटेरियल्स दे दें, ये हमारा लाइट फ्रेम, जो कि होगा बेसिकली ग्रे कलर में हमने दे दिया, एंड अंदर का होगा हमारा लाइट, इसको हमने कर दिया वाइट। ओके इन दोनों को बना सकते हैं आप ग्रुप। और नाइट इसकी पोजीशन को देख लेते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है हमने प्लेस कर दिया। अब टॉप व्यू में आके इसको आपको जहाँ जहाँ प्लेस करनी है अपनी लाइटें, वहाँ वहाँ आपको प्लेस कर देनी है। मैंने स्नैप बंद किया, एक लाइट में सपोज यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक लाइट मैंने करीब करीब यहाँ लगा दी, इंस्टेंस में ले रहा हूँ इनको, ठीक है। हम एक में चेंजेस करें तो सब में चेंजेस हो जाए, एंड दो लाइट मैंने पीछे लगा दी। ओके अब देख लेते हैं एक बार के लिए सही लग रही है ना कैमरे में या नहीं। कैमरा ठीक है, एंड अब कंट्रोल जेड में एक बार क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि वापस पोजीशन पे मैं आ जाऊँ। एंड इसमें मैं एक बेसिकली सीलिंग का कुछ नॉर्मल सा एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया कॉर्नर, मैंने सेगमेंट लिए स्नैप के साथ, एक्स में मैं कर रहा हूँ इसको 10 फिट, काफ़ी ज़्यादा हो गया तो -2 फिट, -2 फिट 8 फिट मैंने लिया। सेम इस साइड से भी मैं 8 फिट ले लेता हूँ, मतलब कि 1 फिट बाई 1 फिट का मैंने प्लेन बना लिया। ओके एंड इसकी जो पोजीशन होगी अगर मैं बात करूँ तो इसके सेंटर में, एंड ये इस पॉइंट पर। ओके सही है, लाइटों को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके तो सही है, इन थोड़ लाइटों को थोड़ा सा मैं और आगे ला रहा हूँ, हल्का सा पीछे, ठीक है। और इसकी मैं एक्सट्रूड वैल्यू दे रहा हूँ इसमें 1 इंच, 1 इंची, ये कहाँ पे होगा ये हम देख लेते हैं, स्नैप ऑन एंड यहाँ पर प्लेस, ये आ गया हमारा। अब इसमें एक डिज़ाइन हम बना लेते कोई बेसिक सा, तो मैंने लिया रेक्टेंगल, लेंथ फिट आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, तो मैं करीब करीब उसको ले रहा हूँ 1 फिट 6 इंचेस, एंड जो उसकी लेंथ है वो हम ले लेते हैं 5 फिट। ओके 5 फिट या 4 फिट 6 इंचेस हमने ले लिया, एंड इसकी 1 फिट हमने इसको ले लिया, 1 फिट कम है, 1 फिट 3 इंचेस हमने ले लिया। इसको हमने किया कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन कॉर्नर, और 1.5 इंच का हम इसमें दे रहे हैं ऑफसेट, -1.5 इंचेस हमें इनर साइड देना है, तो हम प्लस में वैल्यू डाल देते हैं। ओके ये आ गया, एंड इसमें एक्सट्रूड वैल्यू दे देंगे आप 1 इंची, ठीक है। ये पहला हमारा बना। सेम मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, एक इंस्टेंस में ले रहा हूँ, जिससे कि हम एक को चेंजेस करें तो सब में चेंजेस हो जाए, साइजेस हम रखेंगे, सिर्फ पोजीशन थोड़ी बहुत शिफ्ट हम करेंगे। एंड इस पॉइंट से मैं इसके मिड पॉइंट तक ले रहा हूँ ये चीज, एंड इसके मिड पॉइंट पे मैं अपना ये वाला फेस रख रहा हूँ। ओके मैंने एक कॉपी और ली, इसको मैंने किया रोटेट, एंड इसको मैं रख रहा हूँ करीब करीब इसके मिड पॉइंट पर, करीब करीब यहाँ, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा रहेगा इसके नीचे टॉप और मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा रहेगा
ये मेरा इसके नीचे रहेगा एंड ये मेरा एलिमेंट इसके नीचे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एलिमेंट बन गए हमारे, और इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं सेट, फ्रंट व्यू तीनों को सिलेक्ट, मूव ऊपर, स्नैप के साथ यहाँ पर प्लेस। ओके, कैमरा व्यू देखें तो कुछ इस तरह से हमने एलिमेंट बना दिए अनाई डॉल कैमरा, ठीक है। जब अंदर बेसिकली लाइटें लगेंगी, लाइटें हमारा सन लगेगा तो अंदर का जो एरिया है वो भी इल्यूमिनेट होने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हमको इजीली दिखने लगेंगी। ओके, सेम यही डिज़ाइन मैं नीचे बना देता हूँ, वो सेम लाइटें मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ। तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, 1 2 देख सकते हैं हम एक बार के लिए, सिलेक्ट है यही एरिया है नहीं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल से ये सिलेक्ट, ये लाइटेज सिलेक्ट एंड ये, एंड लास्ट ये रूफ सिलेक्ट, फ्रंट शिफ्ट के साथ कॉपी एंड स्नैप के साथ हमने यहाँ पर प्लेस, ठीक है। तो हमारा नीचे भी आ गया एंड ये एलिमेंट हमारा जाएगा ऊपर, ठीक है। हमारे एलिमेंट आ गए अनहाइड ऑल। अब हमारी ये लाइटें भी इजी लग गई। अब इसमें अगर मैं कुछ और चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एक हम पैटर्न बना सकते हैं जिससे कि रूफ एंड वॉल में एक डिफरेंस पता लग सके, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन बना देता हूँ हल्की सी, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको एक अच्छा सा कुछ डिज़ाइन करते हैं। सेम मेरी रूफ यहाँ पे है तो मैं इसको भी कॉपी किया। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रंट में मैं आके इसको मूव कर रहा हूँ एंड इसको मैंने रखा यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके नीचे पॉइंट से मैं एक लाइन बना रहा हूँ जो कि डायरेक्ट यहाँ तक जाए। वो कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। फ्रंट में मैं आ गया, रेक्टेंगल मैंने लिया करीब करीब इतना, कॉर्नर एसपी लाइन इस पॉइंट तक एंड इसमें जो हम गैप दूंगा मैं दे देता हूँ 1 इंची माइनस 1 इंची। ओके, तो इतना सही है। और इसमें एक्सट्रूड वैल्यू हम दे देंगे 0.10 इंची। अब कहाँ पे आएगा ये आएगा मेरा इस पॉइंट पर। ओके, अभी आपको नहीं नज़र आएगा तो जब हम इसमें टेक्सचर देंगे तो अच्छे से ये चीज़ हमको दिखेगी। रोटेट हमने किया एंड यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया, और जहाँ जहाँ इसकी कॉपी रखनी है हमको वहाँ वहाँ हम इसको प्लेस कर देते हैं। मेरे को यहाँ तक रखना है, यहाँ तक, ठीक है। काफ़ी अच्छे से चमकने लगा और ये सीधे कंटिन्यू इसके बराबर से लेके नीचे आगे तक जाएगी। फ्रंट करीब करीब यहाँ तक, ठीक है, ये आ गई। सेम मेरा डिज़ाइन ऊपर बनेगा। या हम एक काम करते हैं, इसको तो यहीं तक रोक देते हैं एंड इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इधर, और इस पे अलग बना देते हैं। ओके, और इसको हम थोड़ा सा वर्टेक्सिस में जाके सेगमेंट में मैं गया और यहाँ तक मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। तो अब वो बेसिकली उसके फेस से ही आपको कंटिन्यू जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब सेम चीज़ मेरी ऊपर भी बनेगी, तो मैं इसकी एंड इसकी एंड लास्ट इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऊपर,
और कहाँ पे प्लेस होंगी ये सारी चीज़ें, मेरे इस पार्ट पर, ठीक है, जैसे कि रूफ अलग दिखाई देगी हमें एंड पैटर्न अलग, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे पैटर्न बन गए। कैमरा व्यू देखें F4, तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें सही हैं। एंड कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने सोचा था जो हम कोई CNC का वर्क करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। लेफ्ट व्यू में आया मैं, इस पैटर्न को मैंने पकड़ा और मैं इसको अंदर की ओर बना रहा हूँ। जिस तरह से एज इट इज वॉल होती है, ये वॉल की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, करीब करीब यहाँ F3 X3, और इसकी हमने वैल्यू दे दी 1 फिट। एंड टॉप व्यू में आके इसकी पोजीशन हम सेट कर लेते हैं करीब करीब यहाँ पर, ठीक है। तो आ गए, अब मुझे इसके मिड में एंड कुछ सेंटर में कुछ एलिमेंट प्लेस करने, तो वो मैं एक बार के लिए कर लेता हूँ। मैं मतलब मैंने लाइन ली, एक लाइन मैंने यहाँ सेंटर में डाली, इसको मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट करके कॉर्नर मैंने किया जिससे कि स्ट्रेट हो जाए। एंड इनेबल कर रहा हूँ मैं इसको व्यूपोर्ट पर 6 इंच या 2 इंच। अब देखें, ये इतना 6 इंच है तो मेरे को 6 नहीं चाहिए, ये करीब करीब मेरे को 4 इंच चाहिए। 4 इंची भी नहीं, 2 इंची, ठीक है, 3 इंची चल जाएगा। और इस पे मैंने डाल दिया एडिट मैश। इससे होगा क्या कि इसको सेलेक्ट करने में आसानी होगी, और इसको मैं लगा देता हूँ इसके मिड पॉइंट पर, बेसिकली वॉल के मिड पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ। ये आ गया, लेफ्ट व्यू में आके सेम मैं इन्हीं की 2 कॉपीज और कर रहा हूँ। एक मैंने कॉपी यहाँ पे लगा दी इंस्टेंस करके, एक कॉपी मैंने यहाँ पे लगा दी, ओके। एंड यहाँ पे बेसिकली हम कुछ प्लांटर्स का वर्क कर लेंगे जैसे कि थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, रियलिस्टिक सा लगेगा। और नाइट ऑल देखें, तो हमने ये बना दिया पैटर्न। बाकी चीज़ हम देखते हैं कि हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, कैमरा व्यू देख सकते हैं हम, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। हो सके थोड़ा बहुत कैमरा एंगल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ तो पाथवे, हम रोड पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि एक स्लॉप के साथ अंदर एंट्री हो, मतलब कि यहाँ पे एक स्लोप आए जिससे बंदा यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री करे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसको हमें माइनस में कुछ वैल्यूज देनी पड़ेंगी, या हम ऊपर भी दे सकते हैं, तो मैं माइनस में दे लेता हूँ, देन बाद में हम सारे को उठा के एक बार में मूव कर देंगे। तो अभी 1 है तो मैं कर रहा हूँ इसको -6 इंची, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी माइनस में चली गई है। जहाँ जहाँ हम इसको चीज़ों को सही करना है वो हम कर लेते हैं, जैसे कि ये अभी हमारा यहाँ तक आना चाहिए, मैं एक बार के लिए रोड को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ। इस स्नैप के साथ मैंने इसको शिफ्ट किया, ये मेरा वर्क प्लेन है एंड ये, और मेरे को स्लॉप बनाना है यहाँ तक टॉप व्यू, एंड मैं कंटिन्यू एक स्लॉप बना रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया करीब करीब इतना, इसको मैंने एडिट SP लाइन बनाया, सॉरी Ctrl A करके मैंने इसको कॉर्नर किए। इसको मुझे कंटिन्यू आगे तक ले जाना, वो हम बाद में ले जाएंगे, अभी हम नॉर्मली अपने डोर तक देख रहे हैं। सेम एक्सट्रूड वैल्यू रहेगी इसमें, मैं एक बार के लिए अनहाइड कर लेता हूँ जिससे कि हमें जो हमने ये बनाया है पाथवे इसका थोड़ा सा आइडिया रहे कितना हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बनाया, एक्सट्रूड वैल्यू हमने दे दी इसमें 6 इंची, जो कि हमने ऑलरेडी दी है माइनस में। उससे होगा क्या कि सेम फ्लोर्स हो जाएंगे, देन इस वाले एच को पकड़ के हम 0 लेवल पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास, इसको पकड़ो एंड दोनों को एक बार के लिए आइसोलेट करो। लेफ्ट व्यू में आ गए,
इस पे आपको लगाना है एडिट पॉली, एडिट मैश भी आप लगा सकते हैं, यानी ऊपर का वर्टेक्स पकड़ के आपको स्नैप के साथ इसको रख देना है करीब करीब, स्नैप यहाँ पे गया, और इससे मैं इसको ऊपर कर देना हूँ 1 इंची या 0.5 इंचीज, ठीक है। जैसे 0.5 इंचीज हमारा रोड आ जाएगा थिकनेस में। ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ तक वो हम डिसाइड करेंगे। ये हमारा स्लोप बन गया, और इस स्लोप को थोड़ा सा हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। इसको मैंने पकड़ा करीब करीब, मैंने यहाँ तक प्लेस कर दिया, और करीब करीब मैंने इसको यहाँ तक प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पाथवे आ गया, इसके पीछे जो भी प्लांटर्स लग देंगे वो पीछे लग जाएंगे। अभी वॉल नीचे तक आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे दिखेगी नहीं, लेकिन आप चाहें तो आप ला सकते हैं, ठीक है। कैमरे में देखें तो इतना विजिबल नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लीड कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल में बना रहा हूँ। कन्वर्ट टू एडिटर स्प्लाइन, कंट्रोल ए, कॉर्नर, इस सेगमेंट को मैंने इसके बराबर तक अलाइन किया, एंड रोड की मैंने वैल्यू दे दी -30 फिट, 30 फिट की मैंने एक रोड यहाँ पे क्रिएट की, एंड एक्सट्रूड वैल्यू मैंने इसकी दी 0.5 इंचेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट स्लोप वाले इसमें नीचे थिकनेस छोड़ी थी, ओके। अब इसको मिड पॉइंट स्नैप के साथ ऑन, एंड इसको यहाँ पर आपको असाइन करना है, ओके। अब देखें चीज़ें आ गई, ठीक है। एंड अनलाइट ऑल, ये हमारी रोड आ गई, ये हमारे आ गई, एंड पीछे जो भी प्लांटर्स बनने होंगे वो हम बाद में बना देंगे। प्लांटर्स पीछे बने तो उसके लिए बेसिकली काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक आप रेक्टेंगल बना लें, करीब करीब मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, जिससे कि चीज़ों को थोड़ा सा आसान हो समझना। मैंने यहाँ पे 1 फिट का, या मैं 9 इंच की एक वॉल क्रिएट कर ले रहा हूँ, माइनस में वर्टेक्सेस मैंने पकड़े यहाँ तक, इसको एक्सट्रूड वैल्यू मैंने दे दी करीब करीब 1 फिट, ठीक है। अब देखें कि ये कहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली नीचे से होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है तो। और टॉप व्यू में आके सेम इसकी कॉपी हमने दे दी एक अदर साइड यहाँ पर, आप कैमरा व्यू देखें, सही है। एंड इनके पीछे हम लगा देंगे अपने प्लांटर्स, जैसे कि पीछे का एरिया जो एनवायरनमेंट है वो कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कर पाए, ओके। अब ये जो 1 इंच है ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हम मूव कर सकते हैं अपर साइड F12 में, जेड में जाके मैंने 0.5 इंचेस ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया, जिससे कि वो ज़्यादा ना दिखे, ठीक है। तो हो गई सारी मॉडलिंग, बेसिक बेसिक सी जितनी हमें करनी थी, एक अच्छा सा हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। कैमरा, एक कैमरा हमने ये लगाया, अगर अभी भी लग रहा है कैमरे में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सेफ फ्रेम हमारा ये है, ठीक है, एक कैमरा हमारे पास ये आ गया। कोई दूसरा कैमरा आपको लगाना है करीब करीब, जैसे कि फ्रंट से आपको देखनी है बिल्डिंग, तो आप फ्रंट से भी लगा सकते हैं चीज़ों को, एंड कंट्रोल सी, ओके। तो दो कैमरे हमने प्लेस कर लिए, एक ये एंड एक हमारे पास ये रहा। तो बेसिकली रेंडर हम इस वाले कैमरे को निकालने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इसी तरह से मॉडलिंग होती है इसकी समाप्त, आगे की वीडियोस में हम करेंगे इसकी लाइटिंग एंड रेंडरिंग, ओके, बाय।